हाथ और पैर के तलवों में जलन, नसों में दर्द, सूजन, ब्लॉकेज, वात रोग, घुटने कमर में दर्द 3 दिन में खत्म करने का 2 चीजों का प्रयोग बताऊंगा। एक पेस्ट बनाना सिखाऊंगा जिसको आपको, जिसको भी जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, नसों की ब्लॉकेज है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, वहां पे ये जो आप लाइव वीडियो में पेस्ट देख रहे हो ना, वहां पे इसको लगा देना। 3 दिन के भीतर भीतर कितना भी पुराना घुटने का कमर का दर्द, नसों की ब्लॉकेज, नसों की सूजन और जड़ से खत्म हो जाएगी। 2 चीजें यहां पे हम लेंगे इस पेस्ट को बनाने के लिए। सबसे पहले यहां पे मैंने लिए मगज के बीज। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, है ना, हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं किसी भी बीमारी से संबंधित, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल में तुरंत 1 सेकेंड के भीतर मिल जाए। दोस्तों आपके गाँव में, आपके शहर में इस मगज के बीज को क्या कहते हैं, मुझे नीचे लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि कई लोग इसको तरबूजे के बीज कहते हैं, कई लोग इसको खरबूजे के बीज कहते हैं, लेकिन ये मगज के बीज ना खरबूजे के बीज होते हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि तरबूजे के बीज होते हैं। तो आप जरूर बताएं कि आपके गांव में इसको क्या कहते हैं और ये किसके बीज होते हैं। दोस्तों इसके बीच में हाई क्वालिटी कैल्शियम, फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन ई, ए, B12, के, हाई क्वालिटी प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ मैं आपको जो पेस्ट बनाना सिखाऊंगा ना, उस पेस्ट को अगर आप बाहर से भी लगा देते हैं ना, घुटनों में, जोड़ों में, क्योंकि इसके बीच में तेल भी होता है, मगज के बीज का जो तेल होता है वो आपके घुटनों की ग्रीस के बीच में जा करके दोस्तों लचीलापन बढ़ाता है, नसों के बीच में जा करके नसों को खोलता है। जिनको भी किसी भी तरह की नसों की सूजन या नसों की ब्लॉकेज शरीर के किसी भी हिस्से में है, अब देखिए नसों की सूजन, नसों की ब्लॉकेज या नसों की कमजोरी विभिन्न शरीर के हिस्सों में हो सकती है, जैसे कि आपके गर्दन वाले एरिया में हो सकती है, हार्ट वाले एरिया में नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, टांगों में नसों की, जिसको वेरिकोज वेन्स कहते हैं, बाजू में नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, है ना, नर्व पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकती है, या आपने देखा होगा गोल गोल से ऐसे नसें फूल जाती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में शरीर के, या फिर जिनको घुटनों में बहुत अधिक दर्द रहता है, हाथों में, पैरों में जलन बहुत ज़्यादा जिनको रहती है ना, पैरों के तलवों में जलन जिनको रहती है और हाथों के तलवों में, खासकर गर्मियों के भी मौसम में और सर्दियों के भी मौसम में जिनको तलवों में जलन रहती है, उनके लिए रामबाण औषधि होते हैं दोस्तों ये मगज के बीज। बस प्रयोग करने की सही विधि और सेवन करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, जो कि आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों इस नुस्खे के साथ साथ में आपको आयुर्वेद के 5 नियमों का भी पालन करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला नियम, जिसको भी नसों की कमजोरी, नसों में सूजन, नसों में ब्लॉकेज रहती है, उसको दोस्तों मिट्टी से स्नान करना, यानी कि मड बाथ जिसको हम कहते हैं, जो हमारे घर की नॉर्मल मिट्टी होती है ना घर के आसपास की, वो आपको लेकर के आनी है, उसको छान करके या बिना छाने आप बाल्टी में, जग में डाल दीजिए, ऊपर से थोड़ा सा पानी भर के अपने पूरे शरीर में उसकी मिट्टी लगा दीजिए। उसके बाद में आधे घंटे के लिए धूप में बैठ जाइए, छोड़ दीजिए, अंदर आप कमरे में भी बैठ सकते हैं गर्मी के मौसम में, लेकिन आधे घंटे सर से लेके, सर के बालों से लेकर के पैर के तलवे में एक भी हिस्सा शरीर में छूटा नहीं होना चाहिए जिसमें आपकी मिट्टी नहीं लगी होगी। नेचुरोपैथी में नसों की ब्लॉकेज, नसों की सूजन, वेरिकोज वेन्स, नसों की कमजोरी, घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द जिनको रहता है, हड्डियों से जिनके कट कट की आवाज़ आती है, नेचुरोपैथी में सिर्फ मड बाथ से, मिट्टी के स्नान से ही उसको ठीक कर दिया जाता है। तो मिट्टी का स्नान जरूर करें, आयुर्वेद का पहला नियम है। दोस्तों आइए घरेलू नुस्खे पे वापस आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके बीच में मैं लगभग क्या करूँगा, 25 ग्राम की मात्रा में यहाँ पे मैं डाल दूंगा मगज के बीज, और इनको स्लोली करके धीमी आंच पे तब तक भूनूंगा जब तक ये लाइट ब्राउन गोल्डन नहीं हो जाते हैं, थोड़े थोड़े, आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन ये टकटक करते हैं, उड़ते हैं हवा में, जैसे आप ये लाइव वीडियो में अभी देख रहे हो ना, ये हवा में उड़ने शुरू हो जाते हैं।
गैस की जो फ्लेम है वो आपको मीडियम आंच पे रखनी है। तो आपको गैस को चलाता रहना है ऐसे, जैसे मैं स्टिर कर रहा हूँ ना ये चम्मच से, इस तरह से आपको कड़छी की सहायता से, चम्मच की सहायता से ना इसको जब तक ये फूटते रहेंगे इसको अच्छे से इसी तरह से पकाते रहना, जब तक ये फूटने बंद नहीं हो जाते हैं इस तरह से और लाइट ब्राउन नहीं हो जाते हैं। अभी मैं आपको कटोरी में निकाल करके दिखाऊंगा ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद ही मैं आपको अन्य सेकेंड नंबर पर कौन सी चीज़ लेनी है और पेस्ट किस तरह से बनाना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। आइए जानते हैं, पहला तो मैंने आपको आयुर्वेद का नियम बताया मिट्टी से नहाना, दूसरा आयुर्वेद का नियम कौन सा है, टोटल पांच नियम है, पांचों का आपको पालन करना है। कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि मैं एक का पालन कर लूंगी तो मुझे लाभ होगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरा आयुर्वेद का नियम यह कहता है सूर्य उदय होने के आसपास उठें और थोड़ी सी अपनी बॉडी का जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं वो ज़रूर करें। दोस्तों यहाँ पे लाइव आप वीडियो में देख सकते हो मैंने किस तरह से इसको गोल्डन ब्राउन कर दिया, इसी तरह से आपको कर देना है। तो मैं अपने आयुर्वेद के नियम पे वापस आता हूँ। मैं कह रहा था आपको कि शरीर का इस्तेमाल, इसका क्या मतलब है, जैसे कि सुबह वॉकिंग करना, रनिंग करना, जॉगिंग करना, या फिर अगर आप ये नहीं कर सकते तो स्विमिंग कर सकते हो। स्विमिंग अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा बहुत दंड बैठक या योग, जिसमें कि हठ योग की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जैसे कि अंग मर्दना, योग आसन, सूर्य क्रिया, सूर्य नमस्कार, सूर्य शक्ति, इनमें से कोई भी एक प्रैक्टिस अगर आप 15 से 20 मिनट कर लेते हैं या 10-15 मिनट ही कर लेते हैं तो कभी भी उस व्यक्ति को नसों की कमजोरी, नसों की ब्लॉकेज, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द या अन्य इंटरनल ऑर्गन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम जीवन में नहीं आती है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये जितनी भी मैंने क्रियाओं का नाम लिया, अंग मर्दना, इसके अलावा योग आसन, सूर्य क्रिया, सूर्य नमस्कार, सूर्य शक्ति, ये सब जितनी भी प्रैक्टिसेज हैं इनमें से कोई भी एक प्रैक्टिस आपको सीखनी है, ईशा फाउंडेशन सदगुरु जग्गी वासुदेव यूट्यूब पर सर्च कर लेना, उनके टीचर को घर पे बुला करके, अपने घर पे बुला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप घर पे आ जाएंगे आपके टीचर सिखाने। अगले नंबर पे यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो मैंने चीज ली है ना हमारी पेस्ट बनाने के लिए, वो है दोस्तों चंदन का पाउडर। चंदन के बीच में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि आपको कोई भी YouTube पे, Facebook पे, इंटरनेट पे नहीं बताएगा कि चंदन जो ठंडक प्रदान करता है ना नसों की ब्लॉकेज को, नसों की सूजन को, नसों की कमजोरी को, जोड़ों के दर्द को, घुटनों के दर्द को ठीक करने में बहुत जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रामबाण औषधि है। सेवन करने की विधि के बारे में बात करूं तो आपको क्या करना है कि जो हमने यहाँ पे मगज के बीजों को भुना था ना, आपको 5 ग्राम की मात्रा में उसका पाउडर तैयार कर लेना है और 5 ग्राम की मात्रा में आपको पीले वाले चंदन का पाउडर लेकर के बीच में गंगा जल या फिर गुलाब जल मिला करके इस तरह से पेस्ट तैयार कर लेना है। ये रोज आपको फ्रेश बनाना है, पुराना नहीं रखना है इसको। और इसको अपने जोड़ों में, घुटनों में दर्द जहां पर रहता है, नसों की ब्लॉकेज, नसों की सूजन, वेरिकोज वेन्स जहां पे नसें फूल जाती हैं, ऊपर ऊपर उभरी उभरी जैसे सांप की तरह आ जाती हैं, वहां पे आपको लगाना है रात को सोते समय और सो जाना है और सुबह उठ करके इसको धोना है। ऐसा 3 दिन भी अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी नसों की ब्लॉकेज, नसों की सूजन, घुटनों का, जोड़ों का दर्द, घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाना, बहुत भयंकर दर्द होना, इन तरह की सभी प्रॉब्लम से आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से फायदा होगा। वीडियो को शेयर करना अपने मित्रों के साथ बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।